आईओबी गिर रहा है, सेंट्रल बैंक गिर रहा है, बाकी ऊपर जा रहे हैं। डर तो तब तब तो डरना चाहिए। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं बैंकों की, सारे बैंकों के शेयर की बात करते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं सर आपने तो आईओबी अच्छा बताया था, आईडीपीआई अच्छा बताया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा बताया था, सेंट्रल बैंक अच्छा बताया था, पीएनबी अच्छा बताया था। तो भाई मैंने जो शेयर आपको अच्छे बताए थे मैं अब भी कायम हूँ, वो अच्छे ही शेयर हैं। अगर थोड़ा रेड में आ जाते हैं तो डरने की क्या बात है। जब भी हम किसी शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं कि वो ग्रीन हो जाए, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो रेड हो जाए तो मेरा संयम जो है वो बरकरार रहे। कभी भी आप ये ना सोचें कि अगर आपका शेयर खरीदते ही लाल हो गया तो इसमें आप बेकार हो, आपका लक बेकार है या आपने बेकार शेयर चूज किए हैं। शेयर कोई नहीं बेकार होते, बस टाइम का खेल होता है। मार्केट जब गिरती है तो सारे के सारे शेयर उसमें आ जाते हैं, और जब मार्केट गिरती है तो कोई भी प्रेडिक्शन लगा नहीं सकता। वरन बफेट जी भी कहते हैं जब मार्केट गिरती है तो मैं सो जाता हूँ, कोका कोला पी लेता हूँ, और झुनझुनवाला भी ये कहते हैं कि मैं देखना बंद कर देता हूँ। तो जब इतने बड़े बड़े लोग अरबों करोड़ों के, हजारों करोड़ों के रुपयों से नहीं डरते तो हम अपने 200 500 हजार 2000 से क्यों डर जाते हैं। अगर रेड है तो ग्रीन में भी आएगा, ये भी तो क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए भाई साहब। अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं आई कि मेरे सिर्फ शेयर ही ग्रीन ग्रीन हो जाए तो भाई ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। रेड होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन हम उसमें संयम रख के उसे ग्रीन भी कर लेते हैं। वक्त सब कुछ भर देता है। कभी किसी का कोई चोट लग गई तो वो एकदम सही हो जाता है? नहीं होता भाई, नहीं होएगा वो सही एकदम। टाइम आने पे होगा और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। जब तक आपने ये कला नहीं सीखी तो आपने शेयर मार्केट से कुछ नहीं सीखा। पढ़ाई कर कर के भी इसमें फेल है सब। जब मार्केट गिरती है तो पढ़ाई भी कुछ काम नहीं आती, और मैं कहता हूँ पढ़ना उसे ही चाहिए जो बिल्कुल जायज़ हो, मार्केट जिसकी अच्छी हो, काम जिसमें अच्छा चल रहा हो, या किसी कंपनी को डूबना है वो उभरने वाली हो, को पता हो। तो आपको मैं पहले बताने वाला हूँ कि आईओबी और सेंट्रल बैंक बहुत अच्छे बैंक हैं और ये जल्दी ही जल्दी ऊपर जाने वाले हैं। और अभी सरकार ने 4-5 बैंकों की एक टीम बनाई है जो बैड बैंकों को सहारा देगी। तो आप इसका भी देखिए कि ये बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। और जब बैंक निफ्टी इतनी तेजी से नीचे गिरेगी तो ये छोटे मोटे हमारे बैंक तो वैसे ही नीचे गिर जाएंगे। HDFC बैंक गिर रहे हैं और अदर बैंक गिर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा गिर रहा है, कैनरा बैंक गिर रहा है, तो ये हमारे बैंक भी गिरेंगे। तो इसको भी अपना मन बनाइए, डर क्यों रहे हो यार, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, वैसे तो नहीं गिर रहे शेयर सर। मार्केट यार डर तो तब लगेगा ना कि आईओबी गिर रहा है, सेंट्रल बैंक गिर रहा है, बाकी ऊपर जा रहे हैं। डर तो तब तो डरना चाहिए हमें कि हमारे शेयर गिर रहे हैं। आईओबी कहा था आपने वो गिर रहा है, आईडीपीआई कहा था वो गिर रहा है, सेंट्रल बैंक इंडिया कहा था वो गिर रहा है। तो डर तो तब है कि सारे बढ़ रहे हैं और ये शेयर नीचे गिर रहे हो, सारे शेयर नीचे गिर रहे हैं। आईओबी और सेंट्रल बैंक में बने रहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ रणनीति बदल चुकी है। नमस्कार।